हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट द इकोनॉमिक्स टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू एज पर मॉड्यूल वाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। हेलो एवरीवन, सो हियर आर सम क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6। सो वी विल गो एज पर द मॉड्यूल वाइज। द मॉड्यूल नंबर 1, द क्वेश्चन नंबर 1 इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज रिकार्डोज थियरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज एचओ थियरी, दैट इज एक्सिर ओलिन थियरी, फैक्टर अबेंडेंस आपको पढ़ना है उसमें से। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Then the next question which is important from your exam point of view is factors affecting terms of trade. Then the next question is various gains from international trade. So मैंने module wise questions बनाए, तो आप इतने questions module wise proper prepare करना। इसमें से बहुत सारे questions आपके question paper में आपको देखने मिल सकते हैं, various gains from the international trade. Then we will come to the module number 2. Module number 2 में first question है explain merits and demerits of free trade area एंड प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड। तो आपको मेरिट्स भी पढ़ने हैं एज वेल एज डीमेरिट्स भी पढ़ने हैं। देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स आपको पढ़ना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कोटाज जो इम्पोर्ट और के बेस पे रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है उसके लिए जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स रखे हैं वो सारे पढ़ने हैं। देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीनिंग एंड टाइप्स, दो फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन, ये सारे आपको पढ़ने हैं। देन यूरोपियन यूनियन ट्रेडिंग ब्लॉक्स आपको पढ़ने हैं, यूरोपियन यूनियन EU उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, एंड एशियन पढ़ना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो सेकेंड मॉड्यूल इज दी ओवरऑल फैक्टर्स विच आई हैव गिवन, तो इसमें से आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देन वील कम टू दी थर्ड मॉड्यूल। तो थर्ड मॉड्यूल में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, टाइप्स ऑफ BOP डिसइक्विलिब्रियम, मेशर्स टू करेक्ट BOP डिसइक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेशर्स एंड गैट्स, जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो मॉड्यूल नंबर 3 में इतने सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। नाउ मॉड्यूल नंबर 4 में आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देन आपको PPP थियोरी पढ़ना है, उसका एब्सोल्यूट और रिलेटिव वर्जन दोनों पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी। एक्सप्लेन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सप्लेन आर्बिट्रेज, ये भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। सो हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स ऑफ TYBCOM सेमेस्टर 6 एज कंसर्न। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लोगे तो आपके बेसिक्स जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। टिल देन वर्क हार्डर बी स्मार्टर।